Good morning, students. Is the screen visible to everybody? Tejo? Tejo, am I audible? Is the screen is visible to everybody? Is everything right? Okay. Good morning, students. I'm Kakisha Razi, faculty of Target with SK Sir. Today we are going to deal with the prince of essay, who is no one other than the Charles Lamb, the great romantic essayist. He belongs to 19th century. He was a great essayist after Francis Bacon. He was the greatest essayist in the history of English literature. So today in this lecture we are going to deal with the prince of essay, that is Charles Lamb. Screen is visible to everybody. अभी देखो इसमें काफी कलर्स हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे कर्सर जहां पर जाएगा उस पर तुम लोग ध्यान दें. चार्ल्स लैम जो है, एक्चुअली ही वॉज बॉर्न इन 10th February 1775 एंड ही डाइड इन December 1834. He was an English essayist, poet, and antiquarian. What is the meaning of antiquarian? Antique means क्या होता है? कुछ अलग चीज, कुछ पुरानी चीज. So the person who writes about these things, and he has written n number of essays, but he is basically famous for his essay of Elia. ठीक है? और Elia क्या है? Actually Elia is also the pen name of Charles Lamb. और ये एलिया उन्होंने अडॉप्ट कहाँ से किया है, लिया कहाँ से है? सो द चार्ल्स लैम हैज अडॉप्टेड द सुडोनिम एलिया फ्रॉम द सरनेम ऑफ हिज फेलो इटालियन क्लर्क इन द साउथ सी हाउस वेयर ही ज्वाइंड इन 1791. तो एक्चुअली इन्होंने जो है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन वो जो है उन्होंने इस जगह को ज्वाइन किया था जहाँ पे उन्होंने काम किया, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिले. तो ये जो है द साउथ सी हाउस जहाँ पर वो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन ही ज्वाइन दैट प्लेस, वहाँ पर उनका ही एक फेलो क्लर्क था जिसका नाम एलिया था. तो उससे इंस्पायर होकर के उन्होंने जो है अपना पेन नेम जो है सुडोनिम लिखा. और एसे ऑफ एलिया का जो पहला एसे है दैट इज द साउथ सी हाउस है. इस चीज़ों को आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. दूसरी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका वर्क है दैट इज द टेल फ्रॉम शेक्सपियर. और ये वर्क जो है दैट इज इन द कोलाबोरेशन में आया था उनकी सिस्टर के साथ, मैरी लैम के साथ जो है कोलाबोरेशन में उन्होंने लिखा था. वन थिंग, और एक चीज याद रखिए कि टेल फ्रॉम द शेक्सपियर जो है इसमें कॉमेडीज को भी इन्होंने लिया है और ट्रेजेडीज को भी लिया है. तो जो ट्रेजेडीज थी उसको लिखा है चार्ल्स लैम ने, और जो कॉमेडीज थी उसको लिखा है किसने, मैरी लैम ने. तो टोटल जो है इसमें 20 एसेज हैं जिसमें से 6 एसे जो है इज रिटन बाय चार्ल्स लैम जो कि ट्रेजेडी है, एंड द 14 द रेस्ट इज 14 इज रिटन बाय मैरी लैम दैट इज कॉमेडीज. ओके, अप टू क्लियर नाउ? जैसा कि एज आई टोल्ड यू दैट ही बिलोंग्स टू 19th सेंचुरी रोमांटिक एज, रोमांटिक सेंचुरी के ये राइट एसेस थे. और इनका जो ग्रुप था, मतलब जिन लोगों से इनकी दोस्ती थी, दैट इज ली हंट, दैट इज वर्ड्सवर्थ, दैट इज कॉलेज, जिनके क्लासमेट थे, बहुत अच्छे दोस्त थे. तो इनका जो सर्कल था, फ्रेंड्स का जो सर्कल था, वो बहुत ही कहा जाए तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लिटरेरी सर्कल था. तो वहाँ से जो है इन्होंने इस चीज़ को क्या कर लिया, जैसे बोला जाए कि इनहेरिट कर लिया, या फिर वहाँ से उनकी उन्हें ये चीज़ें मिल गई, मतलब जो लिटरेरी जीनियस है उनसे मिल गए. जैसे अगर हम शेक्सपियर को देखेंगे तो शेक्सपियर को लिटरेरी जीनियस कहाँ से मिला था, यूनिवर्सिटी बिट्स से मिला था, उन लोगों के साथ रहे, उन लोगों के साथ काम किया हुए, तो वहाँ से जो है उनका जीनियस जो है फ्लोरिश हुआ. तो लाइक वाइज जो है ये 19th सेंचुरी के ऐसे इस थे, और इनका इनकी जो दोस्ती थी वो ली हंट के साथ थी, इनकी दोस्ती जो थी वो कॉलेज इनके बैचमेट्स थे. तो इस तरीके से जो है वहाँ से जो है इनका लिटरेरी जो करियर है शुरू हुआ, कहा जाए कि जो है फ्लरिश हुआ.
ये जो बॉर्न हुए थे एक्चुअली ही वॉज बॉर्न एट लंडन लंडन एट क्राउन ऑफिस रॉ इनर टेम्पल. ये उस जगह का नाम है जहाँ पर जो है वो पैदा हुए थे. एक्चुअली ही वॉज बॉर्न इन लंडन और द प्लेस दैट इज क्राउन ऑफिस रॉ इनर टेम्पल. इनके ये जो है ही वॉज अ सन ऑफ एलिया फील्ड. उनकी मदर का नाम जो है एलिजाबेथ फील्ड था एंड उनके फादर का नाम भी जॉन लैम था जो कि एक क्लर्क थे. इन्होंने भी अपना जो स्टार्टिंग करियर किया था एज अ क्लर्क ही स्टार्ट किया था. इनके फादर भी जो थे वो एक क्लर्क थे. अब हम इनके एजुकेशन को अगर हम देखते हैं तो इनका जो शुरुआती एजुकेशन हुआ है दैट इज़ फ्रॉम द क्रिस्ट हॉस्पिटल. और क्रिस्ट हॉस्पिटल जो है इनके स्कूल का नाम था. एक्चुअली ये बोर्डिंग था जहाँ पर वो पढ़े और यहाँ पर वो मतलब पैदा होने के बाद से लेकर के यहाँ तक कहा जाए कि जो है जो इनकी प्राइमरी एजुकेशन हुआ वहाँ से लेकर के 1789 तक जो है वहाँ पर वो रहे. और ये क्रिस्ट हॉस्पिटल जो है इसका उनके ऊपर जो है बहुत बड़ा छाप भी है. जो उन्होंने लिखा है एसे ऑन एलिया उसमें एक जो है एसे है जो उन्होंने क्रिस्ट हॉस्पिटल के ऊपर लिखा जो बहुत ही फेमस है जिसमें उन्होंने जो है अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताया है. तो और जैसा मैंने आपको बोला था कि उनके जो स्कूल में जब वो पढ़ते थे उनके बहुत अच्छे दोस्त बने थे. तो एक्चुअली उनके जो कुछ बहुत अच्छे दोस्त बने थे उसमें सैमुअल टेलर कॉलेज अनडाउटेडली ही वॉज अ ग्रेट पर्सनालिटी. दूसरा जो है ली हंट भी बहुत ही ग्रेट राइटर थे जिनको जो है आपको पता होगा कि वर्ड्सवर्थ इनको जो है पोएट लॉरिएट भी शायद चुना गया था. तो ये जो है ली हंट भी जो है बहुत ही ग्रेट जो है राइटर थे. अब 1794 में जो है उन्होंने जो है एक उन्हें काम मिल गया क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया हाउस में. ठीक है तो ये ईस्ट इंडिया हाउस क्या है. एक्चुअली इट इज़ एन ईस्ट इंडिया कंपनी द हेड क्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ये जो है उन्होंने ज्वाइन किया था ईस्ट इंडिया हाउस जो कि एक्चुअली इट इज़ अ ईस्ट इंडिया कंपनी है. और वो वहाँ पर जो है जब तक वो रिटायर नहीं कर गए 1825 तक जो है वो वहीं पे थे. दूसरा जो है इन 1798 उनकी जो है बहन उनको कुछ डिप्रेशन हो गया था कुछ मेंटल इलनेस हो गया था. तो एक्चुअली ये जो मेंटल इलनेस है अगर हम चार्ल्स लैम की बात करते हैं तो उनका जो लाइफ है दैट इज़ वेरी मच बहुत ही फियरफुल बोला जाए और बहुत ही तकलीफ दे जिसको कहा जाए तो बहुत ही पेनफुल उनका लाइफ था. और एक चीज़ उन्होंने मतलब उनकी फैमिली में जो है एक मेंटल इलनेस नाम कोई बीमारी थी जो उनके घर में सबों को थी. उनकी बहन को थी मैरी को उनके भाई को जॉन को थी. और कुछ हद तक ये बीमारी जो है चार्ल्स लैम वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज जिसकी वजह से उनको जो है 1795 में जो है 6 वीक्स के लिए मेंटल असाइलम में रखा गया था. तो मैरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान और ट्रबल हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही माँ को स्टैब कर दिया था. और इस घटना ने जो है चार्ल्स लैम को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया. और उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि अब वो किसी से भी शादी नहीं करेंगे और अपनी बहन का जो है क्या करेंगे देखभाल करेंगे उसके साथ ही रहेंगे. तो उन्होंने उनके साथ तो वो रहते ही थे साथ में उनके बहुत सारे वर्क हैं जो उन्होंने चार्ल्स जो कि मैरी के साथ उन्होंने मिल करके लिखे हैं. अब अगर हम लव अफेयर्स की बात करें तो वो उनको प्यार हो गया था एंड सैमिंस से उनको प्यार हो गया था बट उन्होंने जो है शादी करने से इनकार कर दिया चार्ल्स लैम से. क्यों? क्योंकि उनके पास एक बहन थी जो कि इनसैन जो कि शी इज सफरिंग फ्रॉम इनसैनिटी. मतलब उनकी बहन की पागलपन की वजह से उस लड़की ने उनसे शादी करने के से इनकार कर दिया. और ये जो लेडी है ये लैम की जो एक सनेट है और उनकी एसेज है उसमें जो है उन्होंने इसका जिक्र किया है अंडर द सिडोनिम ऑफ एलिस एम. एलिस एम के नाम से जो है इन्होंने इसको पोर्ट्रेट किया है अपने सनेट में और अपने एसेज में. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि वो जो है ही वो सफरिंग फ्रॉम द इन जो के खानदानी बीमारी इनहेरिटेड इलनेस से वो शिकार थे जिसकी वजह से ही वेंट टू अ मेंटल असाइलम फॉर 6 वीक्स इन 1795.
दूसरा एक्चुअली ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. एक्चुअली ही वाज नॉट एसेइस्ट एट द बिगिनिंग. उन्होंने जो है अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ पोएट. उनके बहुत ही अच्छे दोस्त और स्कूल फ्रेंड जो कि उनसे मिले थे क्रिस्ट हॉस्पिटल में, उनके साथ मिल करके उन्होंने जो है अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ पोएट. और उस पोएट में जो है उन्होंने सबसे पहले जो चीज़ लिखी थी वो उन्होंने सनेट लिखी थी. ठीक है, तो कॉलरिज का एक जो है वर्क आया था पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट. ये देखिए अलग कलर में लिखा हुआ है पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट. इट इज़ अ वर्क बाय कॉलरिज विच वॉज पब्लिश्ड इन 1796. उसमें उनका कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने एक पोएट लिख पोएम लिखा था चार्ल्स लैम ने, और वो पोएम क्या थी, एक सनेट थी. ठीक है, उसके बाद जो है उनका जो सेकंड एडिशन आया था, मतलब कॉलरिज का जो इस पोएम का पोएम्स ऑन द वेरियस सब्जेक्ट का सेकंड एडिशन आया था पोएम ऑन द वेरियस, उसमें भी उन्होंने क्या लिखा था, अपना एक पोएम लिखा था. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लैम स्टार्टेड हिज करियर एज अ डैश, तो यू हैव टू राइट डाउन दैट ही हैज स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोएट विथ कोलाबोरेशन टू कॉलरिज पोएम Coleridge poem on various subject in the first edition and as well as in the second edition. उनके टाइम में यानी कि रोमांटिक एज के टाइम में जिस वक्त वो थे प्रेजेंट थे उस वक्त जो है ओल्ड फैमिलीज फेसेस जो कि 1789 में पब्लिश हुआ था बहुत ही पॉपुलर वर्क था उनका. लेकिन उनका बेस्ट पोएटिक वर्क जो है दैट इज ऑन द इन्फेंट डाइंग एज सून एज इट वॉज बॉर्न इन 1829. मतलब ये जब वो मतलब रोमांटिक एज में ये बहुत फेमस था, लेकिन इनका जो बेस्ट पोएटिक वर्क है दैट इज ऑन एन इन्फेंट डाइंग एज सून एज इट वॉज बॉर्न इन 1828. ये उनका बहुत ही फेमस वर्क था. 1809 में उन्होंने एक वर्क लिखा था मिस्टर लेस्टर स्कूल. ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है जो कि एक स्टूडेंट बोलता है अपने स्कूल के बारे में जो कि पब्लिश हुआ है 1809 में. उन्होंने अपना जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट बुक था, मतलब जो है जिसमें किसी का साथ कोलैबोरेशन नहीं था, जैसे उन्होंने जो पहला टेल फ्रॉम शेक्सपियर लिखा वो भी कोलैबोरेशन था अपनी बहन के साथ. उसके बाद जो है उन्होंने जो फर्स्ट पोएट्री लिखी वो भी थोड़ा बहुत मतलब कोलैबोरेशन है. लेकिन इनका जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट बुक था दैट इज़ अ टेल ऑफ रोजामाउंड ग्रे, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, एंड दैट वॉज पब्लिश इन 1798. एक्चुअली इट इज़ अ नोवेला. नोवेला क्या होती है, एक शॉर्ट नोवेल होती है जो शॉर्ट स्टोरी से बड़ी और नोवेला नोवेल से छोटी होती है. बट ये इनका सक्सेसफुल वर्क नहीं था. ठीक है, उसके बाद जो है 1802 में ही रोट अ पोएटिक ड्रामा दैट जॉन वुडविल, जो कि एक ट्रेजेडी है विच इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स. आप लोग कर्सर पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मेरा कर्सर जहाँ जा रहा है यू हैव टू सी. जो इन्होंने 1802 में एक पोएटिक ड्रामा लिखा दैट इज़ अ ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स एंड दैट इज जॉन वुडविल. 1807 में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, कई बार पूछा है मिस्टर एच. मिस्टर एच जो है 1807 में इनका आया था. ये एक्चुअली फार्स है जो कि दो एक्ट का है और इन प्रोज ओनली अ प्ले टू रीच होम. ये एक इनका ऐसा वर्क था जो कि क्या हुआ था, स्टेज तक पहुंचा था. इज समबडी वेटिंग, मैसेज आ रहा है. Yes, Payal. Yes, yes. I am joining you. मुझे भेजो. मैं हूँ. भेजो मुझे. Payal अगर स्क्रीन पे आए तो मेरे को बताना. Where is Payal? भेजो, तुमको पता चलेगा ना आएगी तो. तेजो तेजो एम आई ऑडिबल तेजो राघव ओके okay.
उसके बाद जो है ये बताया मैंने 1820 अब वाइफ्स चाइल्ड ये एक ब्लैंक वर्स प्ले था जो कि उनका 1820 में आया था. अब वाइफ्स चाइल्ड इट इज अ ब्लैंक वर्स प्ले. एक चीज यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि एलिजाबेथन एज के जो फ्रांसिस बैकन थे ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे. तो उनको जो है हु सेड चार्ल्स लैम एज अ प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे. तो यू हैव टू नो दैट इज हॉग वॉल्कर ने हैज सेड दैट चार्ल्स लैम इज अ प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे. उनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे किसने कहा था, हॉग वॉल्कर ने कहा था. यू हैव टू कीप इन माइंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड ई वी लूकस हु हैज रिटन हिज बायोग्राफी हैज कॉल्ड हिम द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, इनके बारे में जो क्रिटिकल कमेंट है यू हैव टू नो कि उनको जो है हॉग वॉल्कर ने कहा था दैट इज अ प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे. और ई वी लूकस जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है उन्होंने कहा है कि ही इज द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर. एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज अ प्रॉब्लम इन दिस पहले पार्ट में, कोई प्रॉब्लम है किसी को? शुड आई प्रोसीड, आगे बढ़ू मैं? ओके, नो अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट स्लाइड क्लियर है, नाउ कम टू द सेकेंड स्लाइड. अब हम किसकी बात करते हैं, प्रोज ऑफ लैम की बात करते हैं. तो यहाँ पे जो प्रोज, जब हम प्रोज की बात करते हैं तो उनका जो सबसे नोटेबल वर्क है दैट इज अ टेल फ्रॉम शेक्सपियर. ओके, विच ही जो उन्होंने एज आई हैव टोल्ड कि ये पब्लिश हुआ था 1807 में और ये जो है इट इज़ अ प्ले ऑफ शेक्सपियर फॉर द चिल्ड्रेन. ये बच्चों के लिए उन्होंने लिखा था और ये वर्क जो है वो कोलाबरेशन में आया था उनकी सिस्टर मैरी के साथ. इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कई बार पूछा था कि हाउ मेनी टेल्स आर देयर. तो इसमें 20 नंबर्स ऑफ टेल्स हैं. जो ट्रेजेडीज हैं वो लिखी है लैम ने लिखी है, 6 ट्रेजेडीज जो हैं वो लैम ने लिखी है. और जो कि कॉमेडीज हैं, जो कि 14 कॉमेडीज जो हैं जो कि किसने लिखी है, मैरी लैम्ब ने लिखी है. ठीक है, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है 1808 में चार्ल्स लैम्ब का एक और वर्क आया था एडवेंचर ऑफ यूलिसिस. एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया कि यूलिसिस एक बहुत ही फेमस वर्क है, वहाँ से जो है उन्होंने इसको एडॉप्ट किया है. किसके लिए, ये भी उन्होंने बच्चों के लिए ही लिखा है. और उसके बाद आफ्टर सम ईयर्स कुछ इन द सेम ईयर मतलब 1808 में ही जो है उनका एक वर्क आया था स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्स अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर दैट कंसिस्ट ऑफ द सेलेक्टिव सीन्स ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा वॉज पब्लिश. यानी कि इसमें जो है उन्होंने एलिजाबेथन एज के जो ड्रामेटिस्ट थे उनके बारे में लिखा है. तो 1808 में उनका दो वर्क आया है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस आया था जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया है यूलिसी से, यू ऑल नो दैट इज़ अ ग्रेट वर्क. और दूसरा जो है उनका सेम ईयर में 1808 में स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट हु लिव्स अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर. इसमें जो है उन्होंने जो ड्रामेटिस्ट थे जो शेक्सपियर के टाइम में और एलिजाबेथन एज के टाइम में उसके बारे में जो है इन्होंने लिखा है. उसके बाद जो है द कलेक्शन ऑफ एसे ऑफ एलिया, ये जो है विच कंटेन्स एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ एलिया आई इमेजिनरी फिगर क्रिएटेड बाय लैम्ब वॉज पब्लिश इन 1800. इनका जो सबसे बड़ा मास्टरपीस है दैट इज एन एलिया. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एलिया क्या है, ये किस टाइप का वर्क है. तो ये क्या है, पर्सनल एक्सप्रेशन है, ये उनका एक पर्सनल वर्क है. मतलब जिसमें कहा जा सके तो कुछ हद तक ये ऑटोबायोग्राफिकल भी है क्योंकि उसमें एक ऐसे है दैट इज अ क्रिस्ट करके जो उनके स्कूल नाम है, मैंने आपको बताया था ये यहाँ पर जो हमने आपको कहा था कि क्रिस्ट हॉस्पिटल ये करके उनका एक ऐसे है. उसमें वो क्या है, कम्प्लीटली जो है कहा जाए तो इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क. तो ये जो है इसका पर्सन ऐसे ऑन एलिया जो है कहा जाए तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क उनका है जिसमें उन्होंने एलिया के एक्सपीरियंसेस को बताया. और ये एलिया कौन है, ये एलिया कोई और नहीं है बल्कि खुद चार्ल्स लैम है. तो उन्होंने जो ये वर्क लिखा है वो पेन नेम के थ्रू लिखा है दैट इज़ एलिया.
में जो उन्होंने नाम दिया है अपना अपना जो सुडोनिम यूज किया है दैट इज एलिया, और जो कि पब्लिश हुआ था 1823 में, जो है पब्लिश हुआ था, एंड द एसे वाज अर्ली, और ये सीरियली आया था, ठीक है, लंदन मैगजीन में, ये चीज़ याद रखिएगा, इट केम इन सीरियली लंदन मैगजीन में आया था, और जो कि क्या है, ओल्डेस्ट लिटरेरी जर्नल ऑफ यूके है, मतलब यूके का जो है सबसे पुराना जर्नल है, तो उनका जो एसे ऑन एलिया है वो लंदन मैगजीन में आया था। फास्ट स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा फिर से, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तेजो, 1 मिनट, क्यों ऐसा हो रहा है तेजो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, क्या बोला राघव, नहीं सुना मैंने, दिख रही है तेजो स्क्रीन, दिख रही है, अच्छा किन को स्क्रीन नहीं दिख रही है, कृष्ण कुमार नहीं दिख रही ना बेटा, आपके साइड से प्रॉब्लम होगा, सुनो इस आपके साइड से प्रॉब्लम, आप एक बार जो है ऑफलाइन होने के बाद दोबारा ऑनलाइन होइए, तो एक बार जो है ऑफलाइन होकर के फिर से ऑनलाइन होइए तो वो दिखेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को दिख रही है, अगर आपको नहीं दिख रही तो आप एक बार जो है ऑफलाइन होकर के फिर से ऑनलाइन होइए। ठीक है, तो ये दिख रही है ना, हो गया ना सबको, चलो स्टार्ट करें हम लोग, समझ में आ रहा है, अब दिखा, हाँ वो एक्चुअली मैं ही तुम लोगों के पास गई थी एक्चुअली, ठीक है ना, फर्स्ट मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रही हूँ, स्लो ही पढ़ा रही हूँ ना, सब सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, हाँ तो इसमें इसमें कुछ बहुत वो नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ही मैंने लिखा है। अच्छा एलिया का जो है वो दो पार्ट आया था, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों ही आया था, पहला जो है एसे ऑन एलिया आया था, और फिर उसके 10 साल के बाद जो है 1833 में जो है दूसरा आया था, लास्ट एसे ऑफ एलिया। ओके, तो एलिया के दो पार्ट आए थे, फर्स्ट जो है एसेज ऑफ एलिया, और दूसरा जो है 1833 में जो है द लास्ट एसे ऑफ एलिया। ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, इसका सेकेंड एडिशन है। सम ऑफ हिज अदर नोटेबल वर्क जो है उनके, जैसे एलिया के अलावा ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1811 में आया था, ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, विचेस एंड द नाइट फियर्स जो कि 1821 में आया था। वर्क्स के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर्क्स से ही पूछे जाते हैं कि ये किसका वर्क है। द प्राउड ब्रोकर्स डॉटर दैट इज 1825 में, एंड द लास्ट एसे ऑफ एलिया इन 1833 में जो है आया है उनका। दूसरा एलियाना जो कि 1867 में आया, तो ये सारे उनके वर्क्स हैं जो कि आया था 1888 में जो है उनका। मैंने अभी पहले ही बताया था कि 1888 में उनके दो वर्क आए थे, ठीक है, तो स्पेसिमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्स अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ये उनका जो है एक वर्क आया था, ठीक है, 1888 में आया था। अ सेलेक्शन ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द एलिजाबेथ इट कंसील्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टाइल ऑफ द 19th century वर्क, और इसने जो है ये जो वर्क आया था स्पेसिमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इसने क्या किया, 19th century के जो राइटर्स थे उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। नाउ अभी जो हम लोग डील करेंगे दैट इज़ एसे ऑफ एलिया को हम लोग डील करेंगे, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि जो शेक्सपियर वाला पार्ट है वो सर ने बोला है कि ही विल डील। ओके, तो शेक्सपियर का जो मैंने बताया जो उस उनका अपनी बहन के साथ जो कोलैबोरेशन वाला वर्क है तो उसको सर डील करेंगे, तो मैंने उसका ऑलरेडी ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दिया, सर उसको डील करेंगे। एसेज ऑफ एलिया जो है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एसेज है जिसको किसने लिखा है, चार्ल्स लैम ने लिखा है, और इट वॉज फर्स्ट पब्लिश, ये जो आई थी बुक फॉर्म में जो आई थी वो 1823 में आई थी, ठीक है।
और इसका सेकेंड वॉल्यूम भी आया था लास्ट एसे ऑफ इलिया जो कि 1833 में पब्लिश हुआ था और इसके पब्लिशर कौन थे, एडवर्ड मैक्सटन जो है उसके पब्लिशर थे। ठीक है, ये जो है द एसे इज अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट, ये जो आया था मतलब पहला जो एसे आया था एसेज ऑन इलिया, ये पब्लिश हुआ था कहाँ पे, लंदन मैगजीन में 1820 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, एंड और कब तक पब्लिश हुआ था 1820, क्या बहुत सारे एसेज हैं, तो मतलब कि 1820 से लेकर के 1825 तक जो है ये पब्लिश होता रहा था। लैम एसेज और इनके जो एसेज थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे और मतलब सीक्वेंटली जो है वो आ रहे थे। एसेज वॉज वेरी पॉपुलर एंड वॉज प्रिंटेड इन मेनी सब्सिक्वेंट एडिशंस थ्रू द 19th सेंचुरी। ये जो है मतलब बहुत सारे लोगों ने जो है इस मतलब इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि बहुत सारे लोग जो है एडिटर्स जो है इनको क्या करने लगे, पब्लिश करने लगे। दूसरा जो है ये इसका टोन क्या है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि एसे ऑफ एलिया है क्या, तो ये उसका पर्सनल और कन्वेंशनल टोन है। ठीक है, of the essay has charmed many readers. The essay established the Lamb in the title that he has told that the most delightful of English essays. मतलब उनका जो ये essay था वो इतना famous हुआ कि उनको English literature का सबसे delightful English essayist कहा जाने लगा। ठीक है, और इसमें जो एलिया है, जो एलिया word है वो actually वो खुद एलिया, मतलब इसमें जो characters हैं, मतलब ये जो essay on एलिया में जो एलिया का character है वो कोई और नहीं, खुद उन चार्ल्स लैम है। और इसमें जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कजिन ब्रिज, ये कजिन ब्रिज कोई और नहीं, खुद उनकी सिस्टर मैरी है। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट यूज द सिडोनिम एलिया फॉर देन एसे, हम लोग जो है अभी एक एसे पढ़ेंगे, तो पहली बार जो है उन्होंने एसे ऑन एलिया में जो पहली बार उन्होंने जो यूज किया साउथ सी हाउस के लिए जो है उन्होंने पहली बार यूज किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ सी हाउस, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं। साउथ सी हाउस इनका पहला वर्क है जिसमें उन्होंने अपना पेन नेम जो है यूज किया है एलिया, वेयर ही हैड वर्क और जिसमें उन्होंने काम किया था। एलिया वॉज द लास्ट नेम ऑफ द इटालियन मैन, और ये जो एलिया आया कहाँ से, मैंने बताया था कि साउथ सी हाउस में ही उन्होंने काम किया था और उसी में जो है उनका एक मतलब कलीग बोलो या फ्रेंड बोलो क्लर्क था, तो उसका नाम जो है एलिया था, तो वहां से ही जो है उन्होंने ये नाम जो है वो लिया है। नाउ कम, तो इसमें जो है ये सारे एसेस का नाम मैंने दिया है जो एसेस ऑन एलिया में, लेकिन इसमें जो रेड से है ना, जो जितने भी एसेज जो रेड से किए गए हैं उस पर ध्यान देना, वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में शायद कभी पूछ सकते हैं। ऐसे जो इम्पॉर्टेंस हैं तो मैं पढ़ाऊंगी ही, लेकिन इस एसेज को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, द फॉलोइंग्स आर द इंक्लूड इन द दिस कलेक्शन, पहला जो है द साउथ सी हाउस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एसे है। दूसरा जो है ऑक्सफोर्ड इन द वोकेशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने रेड करना भूल गई हूँ मैं। क्रिस्ट हॉस्पिटल, ये भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ये इसका फुल टाइटल है, 5 and 30 years ago क्रिस्ट हॉस्पिटल कभी एग्जाम में पूछ देता है व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ क्रिस्ट हॉस्पिटल, तो 5 and 30 years ago इज द फुल टाइटल। द टू रेसेस ऑफ मेन, द न्यू ईयर ईव्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। द बैटल्स ओपिनियन ऑफ द ब्रिस्ट, द चैप्टर्स ऑन ईयर्स, ऑल फूल डे, अप्रैल फूल जो है दैट इज, ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। द क्वाकर्स मीटिंग, द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर, वैलेंटाइन डे, इम्परफेक्ट सिंपैथी, ये तीनों जो है ये इम्पॉर्टेंट, जो जो रेड से है ना वो इम्पॉर्टेंट है, और एक जो है क्रिस्ट हॉस्पिटल, ये भी इम्पॉर्टेंट, इसको मैं रेड करना भूल गई थी। वॉचेज एंड द अदर नाइट फियर, माई रिलेशन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैकरी एंड्स इन द हार्टफोर्ड शायर, मॉडर्न गैलेंट्री, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द ओल्ड बैचलर्स ऑफ द इनर टेम्पल, ग्रेस बिफोर मीट, ये सारे एसेज हैं जो कि एसेज ऑन एलिया में हैं। माई फर्स्ट प्ले, ड्रीम चाइल्ड्स अरेबियर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे जो है एक दो बार क्वेश्चन भी आया है। Distance Correspondence, The Praise of Sydney Super, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है।
बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे है, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं. द कंप्लेन ऑफ द डीके ऑफ बेगर्स इन द मेट्रोपोलिस, द डिजर्टेशन अपॉन द रोस्ट पिग, अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑन द मैरिज पीपल. ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसमें जो है एक्चुअली ये बताते हैं कि किस तरीके से जो मैरिड पीपल हैं वो अनमैरिड लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनको परेशान करते. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चार्ल्स लैम थे, उन्हें वो किसी लड़की से प्यार करते थे बट उसने मना कर दिया था बिकॉज ऑफ हिज सिस्टर इलनेस, तो उनकी शादी नहीं थी. तो क्या क्या जो है ह्यूमिलिएशन एक अनमैरिड आदमी को झेलनी पड़ती है, एक मैरिड आदमी से क्या क्या चीज़ें सुननी पड़ती है, उसके बारे में ये ऐसे है. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑन सम ऑफ द ओल्ड एक्टर्स, ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ऑन द एक्टिंग ऑफ द मंड्रेन एंड द लास्ट जस्टिस ऑफ एलिया. ये जो है सेकेंड एडिशन है जो कि बाद में आया था, 10 साल के बाद आया था. इसमें क्या है आपका ब्लैकमैन्स मूलर ऑफ एच शायर, द पुअर रिलेशंस, डैचेस थ्रो ऑन द बुक एंड रीडिंग, स्टेज एल्यूजन टू द शेड ऑफ द एलिस्टन एलिस्टाइना, द ओल्ड मार्गरेट हो, द कन्वेलेंसेंट सैनिटी ऑफ द ट्रू जीनियस और कैप्टन जैक्सन. ये क्या है इम्पॉर्टेंट है, क्रिस्ट हॉस्पिटल इन द वोकेशन. ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है. तो इतने जितने भी जो चीज़ें हैं जो कि रेड से लिखी गई हैं वो सब जो है क्या है इनके इम्पॉर्टेंट एसेज हैं. फिर उसके बाद जो है द टॉम्स इन द एबी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. द सुपर एन्यूरेट मैन, ये भी रेड से किया गया है, इसको भी ध्यान दे दीजिएगा. उसके बाद जो है जेंटल स्टाइल ऑफ राइटिंग, बारबरा एस, द टॉम्स इन द एबी, एमिकस रेडिवियस, सम सनेट्स ऑफ फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी से एक बार नेट में क्वेश्चन आया था कि हु इज द ट्रू रेनासा ऑफ एलिजाबेथन एज, दैट इज अ फिलिप सिडनी, एंड हु इज द ट्रू रेनासा ऑफ द मॉडर्न एज, Who is the true Renaissance of modern age? Raghav, I have in the yes, T.S. Eliot. Newspapers 35 years ago, barrenness of the imaginative facility in the production of modern art, the wedding, rejoicing upon the new year coming of the age, old China, फिर important ऐसे है, the child and angel's dream, confession of the drunkard, और द पॉपुलर फैलेसीज. तो ये सारे जो हैं इनके इम्पॉर्टेंट एसेज हैं. अमंग द इंडिविजुअल एसे ड्रीम चिल्ड्रेन, ओल्ड चाइना एंड परहैप्स इज द मोस्ट हाईली एंड जनरली एडमायर अ शॉर्ट म्यूजिकल वर्क ऑफ एलाग्रा इज इंस्पायर्ड बाय द ड्रीम चाइल्ड लैम फाउंडनेस फॉर द स्टेज ड्रीम प्रोवाइड द सब्जेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द एसेज माई फर्स्ट प्ले स्टेज एल्यूजन एलिस्टाना इटीसी Blank's Moor at Shire is actual written about the blacksmith, the greatest house where the lamb's mental and the grandmother and shop similarly. तो इसमें जो ये बताया गया कि ये works जो हैं उनके बहुत important हैं. I have already explained it कि जितने भी works हैं जिनको मैंने read किया है वो सब क्या हैं essays important हैं from the examination point of view से. अब जो है हम लोग पढ़ेंगे किसको, द साउथ सी हाउस को पढ़ेंगे. ठीक है, ये मैंने पूरा इसका समरी लिखा है साउथ सी हाउस का, इसको आप लोग खुद से ही पढ़ लेना. लेकिन ये पूरे समरी में एक्चुअली है क्या, उसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ जो कि आके आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि साउथ सी हाउस है क्या. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है किसी को, सब चीज़ें. ये साउथ सी हाउस का जो समरी है ना वो मैं नोट्स में दूंगी, उसको आप खुद से पढ़िएगा. लेकिन ये पूरे समरी में जो है एक्चुअल में बात क्या है और इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रहे. अगर वो नहीं भी पढ़े एग्जाम के टाइम में, सिर्फ ये पॉइंट्स भी आप देख लेंगे तो आपको पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा है इसको.
ये पहला एसे है, मतलब जो है एसे ऑन एलिया का पहला एसे है जो कि 1820 में पब्लिश हुआ था, और इसमें उन्होंने पहली बार जो है सुडोनिम एलिया यूज़ किया था। और एलिया क्या है, कोई और नहीं है, खुद क्या है, चार्ल्स लैम है। और ये जो एलिया है, ये पेन नेम उन्होंने कहाँ से लिया है, साउथ सी हाउस में जहाँ पे वो काम करते थे, उनके एक कलीग थे क्लर्क, उनसे उन्होंने क्या किया है, ये इंस्पायर होकर के जो है ये जो पेन नेम है उन्होंने लिया है। एक्चुअली ये जो एसे है ये डील करता है किससे, उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे वो डील करता है, जहाँ पर जो है वो और ये उसका जो मतलब जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा था, उन सब चीज़ों के बारे में जो है बताया है। और बहुत ही ज़्यादा मॉकिंग वे में जो है इनको बताने की उन्होंने क्या की है, कोशिश की थी। यहाँ पर ये जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जो है काम करने आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने काम किया, और फिर बाद में ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है वो काम करने लगे। ठीक है, अब जो है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो पोएम स्टार्ट होता, मतलब ये जो एसे, सॉरी पोएम नहीं एसे, ये जो एसे स्टार्ट होता है ये डिस्क्रिप्शन के साथ स्टार्ट होता है। किसके डिस्क्रिप्शन के साथ होता है, इसका जो फिजिक है, मतलब इसमें जो स्टोन यूज़ की गए हैं, इसमें जो मार्बल्स यूज़ की गए वो क्या है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो है चीज़ें इसमें यूज़ की, यानी कि इसका जो साउथ सी हाउस है उसका स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा था, उससे क्या होता है ये पोएम शुरू होती है। और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो ब्रिक्स का यूज़ किया गया, जो मार्बल्स का यूज किया गया, बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी के। और ये भी बता रहा है कि इसमें क्या है, एक अंडरग्राउंड रूम है जो कि क्या है, भरा हुआ है किसी गोल्ड कॉइन्स, और वो गोल्ड कॉइन कहाँ के हैं, अमेरिका और स्पेनिश के जो गोल्ड कॉइन है उससे भरे हुए हैं। लेकिन ये जो इसकी रॉयलिटी थी, चाहे उसके फिजिकल रॉयलिटी हो, चाहे जो है ये बहुत बड़ा जो है कंपनी था जो कि एक वक्त पे बहुत ग्लूम पे था, लेकिन क्या हुआ, इसका डाउनफॉल हुआ। क्यों डाउनफॉल हुआ, क्योंकि इस कंपनी के मालिक ने जो है एक बबल, यानी कि छोटे से के प्रॉफिट के लिए जो है इसने एक स्कीम निकाली, जिसने क्या किया, लोगों को चीट किया, और चीट जो किया तो उससे इंस्टेंटली तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन बाद में जो है इसका बहुत ज़्यादा शॉर्टकमिंग देखने को आया, कंपनी जो है वो नुकसान में चली गई, और जो है कंपनी अपने नुकसान को रिकवर नहीं कर पाए। तो ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था इसको जो है उन्होंने इस ऐसे में कहा है साउथ सी बबल, यानी कि ओनर ने जो कंपनी के फायदे के लिए जो लोगों को चीट किया, उस पूरे इंसिडेंट को जो है इसमें साउथ सी बबल के नाम से कहा गया। और ये बता दिया कि पहले की काफ़ी रॉयल कंपनी हुआ करती थी, इसके फिजिक को इसने बताया है, इसमें जो है अमेरिका और स्पेन के जो है वो गोल्ड कॉइन हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ है कि अभी ये सब खाली हो चुका है और कंपनी किस में जा रही है, लॉस में जा रही है। एक तो इसमें दो चीज़ें बताई है, पहला पार्ट में जो है उन्होंने बताया है कि उसका पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, दूसरा उन्होंने उनके जो कलीग्स थे, उनके जो दोस्त थे, उन लोगों के बारे में, यानी कि अपने जो कलीग्स के हैं वो कौन कौन थे, और वो लोग जो है किस तरह से काम करते थे, उनका नेचर कैसा था, उनका पर्सोना कैसा था, उसके हर एक कैरेक्टर्स को जो है उन्होंने बहुत ही बारीकी से जो है इस एसे में डील किया है। और कैसे डील किया, बहुत ही ह्यूमरस मैनर में डील किया है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो मतलब जो वहाँ पे वर्कर्स जो काम करते थे, दे गेट अ वेरी लेस मनी, उनको इतनी कम सैलरी मिलती थी जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ देम आर अनमैरिड, क्योंकि जब हम शादी करते हैं तो हमारा खर्चा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं कि इतना कम पैसा मिलता था कि वो अपने फैमिली का एक्सपेंस नहीं चला पाते थे, तो मोस्ट ऑफ द जो लोग थे वो क्या थे, अनमैरिड थे। और ये जो अनमैरिड लोग थे जो कि शादी नहीं करते, उसको जो है उन्होंने क्या कहा है, मैंस दे वेयर लाइक अ मॉम्स इन द मॉन्स्टर, यानी कि ये जो अनमैरिड पीपल थे जो कि वहाँ काम करते थे, उन्होंने उसके बारे में उसको जो उन्होंने नाम दिया है मॉम्स इन द मॉनेस्ट्री, ये उन्होंने जो है उसको नाम दिया है। ये जो कैसे सर्वेंट थे, इनके पास मतलब अगर पैसे ज़्यादा नहीं मिलते थे तो इनके पास करने के लिए भी कुछ नहीं होता था, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा काम इनको करने के लिए होता था, इनके पास करने के लिए भी कुछ नहीं था। इनकी हालत कैसी थी, मतलब
उस आलीशान घर के जैसी थी जहाँ पे बहुत सारे नौकर होते हैं, लेकिन ये नौकर क्यों रखे जाते हैं? अपनी रॉयलिटी को दिखाने के लिए रखे, उनके पास कुछ खास काम नहीं होता, लेकिन बड़े लोग क्या होते हैं, हर एक चीज़ के लिए नौकर रख लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से उनकी हालत थी, बट उनको क्या मिलते थे, पैसे बहुत कम मिलते थे, जिससे उनकी फैमिली का जो है क्या होता है, गुजारा नहीं हो सकता था, ठीक है। और एक चीज़ बताने की कोशिश की कि यहाँ पे जो लोग काम करते थे, मोस्ट ऑफ द जो लोग होते थे बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ ही टाइप के होते थे, दे मतलब वो बहुत दिखावटी टाइप के जो लोग होते थे यहाँ पे होते थे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वहाँ पे थे। कैरेक्टर्स का मतलब है ये जो है इवान है, टॉमस थेम है, जॉन टिप है, हेनरी मैन, ये जो रेड से लिखे हुए ना, ये सब क्या है, कलीग्स थे, जहाँ जो काम करते थे किसके साथ, चार्ल्स लैम के साथ जो है वो काम करते थे, ये सारे के सारे उनके कलीग हुआ करते थे। सारी बातें क्लियर हो रही है, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? अब जो है इसमें पहला कैरेक्टर जो है दैट इज इवान। इवान क्या है, एक एक्चुअली में जो है ये कैशियर है, लेकिन जब ये काम करता है ना, ही इज़ वेरी सैड, और जब खाने का टाइम होता है तो ये बहुत ही हैप्पी हो जाता है, ठीक है। ये जो है अपने ऑफिस में रेगुलरली आता है और जो है अपना काम सही से करता है। दूसरा जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो उनका कोटी मेंबर है वो है थॉमस थेम। ये क्या है, असिस्टेंट है, या फिर कहा जाए तो सबऑर्डिनेट है, किसका, ये जो कैशियर इवान है ना उसका क्या है, ये सबऑर्डिनेट है थॉमस थेम। और इसकी क्या है, इसको बात करने का बहुत शौक है, लेकिन ये कैसा है कि मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत ही फुलिश टाइप है बाय नेचर, और ऐसा फुलिश है ये कि मतलब इसको कोई बच्चा भी जो है क्या करा सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है। इसको बात करने की बहुत है कि जब इंसान इससे बात करता है ना तो ये अपनी बातों से दिखा देता है कि ये कितना फुलिश है, और इसका जो मेंटल जो इंटेलिजेंस है, जो मेंटल आईक्यू लेवल है, बहुत ही पुअर है, ठीक है। लेकिन इसको क्या है कि मतलब है तो ये मेंटली बहुत पुअर है, और जो है मतलब ब्रेन से भी पुअर है, मेंटली भी बहुत पुअर है, और पैसे भी इसके पास नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, बहुत ही दिखावा करता है। क्यों दिखावा करता है, क्योंकि इसकी जो वाइफ है वो बहुत ही मेंटली प्रोस्पेरस है, बहुत ही इंटेलिजेंट, तो अपने आप को उसके जैसे मतलब लेवल में दिखाने के लिए क्या, ये अपने आप मतलब बहुत, इसकी जो वाइफ है वो मेंटली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और किससे, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी से बिलोंग करती, एक अच्छी सोसाइटी से, एक अमीर, एक इज्जतदार, जो वाइट कॉलर लोग होते हैं उनसे क्या करती है, ये बिलोंग करती है उसकी वाइफ। तो उसको दिखाने के लिए जो है थॉमस थेम जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पॉम्प और शो करता है। दूसरा जो है इसमें वर्कर है दैट इज़ जॉन टिक। ये एक्चुअली जो है ये अकाउंटेंट है, ये अपना काम बहुत ही मेहनत से करता है, लगन से करता है, और इसको अकाउंट्स का काम अच्छे से आता है, लेकिन ये क्या करता है, अमेचर, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी बजाता है और गाना भी गाता है, बट इसको पता नहीं है कि वो बहुत ही गंदा गाता है और बहुत ही गंदा बजाता है, जो कि लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, इसके गाने को और इसके म्यूजिक, बट ये चीज़ इसको क्या है, पता नहीं है। दूसरे उसके बाद जो है ये छोटे छोटे जो है ये माइनर लोग हैं, जिसके बारे में बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, दैट इज़ हेनरी मैन। ये क्या है, एक वाइज मैन है, और ये इसको मतलब किसी को जो है कमेंट करना, सरकास्ट करना बहुत ही अच्छे से आता है। दूसरा जो है कोटी मेंबर है उनका, दैट इज़ प्लमर। ये भी जो है एक इसका भी जो दिमाग है बहुत ही अजीब तरह का दिमाग है, बहुत अजीब व गरीब टाइप का आदमी है जिसको है इस ऐसे में जो है उसको बहुत ही अजीब दिमाग का आदमी बताया गया है। उसके बाद जो है मेन नॉट जो है ये बिल्कुल बच्चे जैसा है, और इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चे जैसी है, और इसका जो टंग है इट इज़ वेरी स्वीट, जस्ट लाइक जो चिल्ड्रेन होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनकी जो टंग बहुत स्वीट होती है, तो इट इज़ जस्ट लाइक इट। उसके बाद जो है नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज़ वुलेट। ये भी क्या है, बहुत ही स्ट्रेंज है बट बहुत ही पैशनेट है। उसके बाद क्या है हिप वर्थ है, जो कि इमिटेबल है और सोलेमन है। ये उसका क्या है फीचर है। ये ऐसे सबको क्लियर हो चुका है, ऐसे ऑन साउथ सी क्लियर हो गया सबको। स्टूडेंट्स
दो मिनट के बाद हम लोग जो है दूसरा एसे स्टार्ट करेंगे। इनका जो दूसरा एसे है दैट इज बहुत ही ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल इन नोट है, ठीक है। इसका जो पूरा टाइटल है क्रिस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago, ये जो है इसका फुल टाइटल है। ये एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ क्रिस्ट हॉस्पिटल, तो ये आप लिखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनकी स्कूलिंग जो हुई थी वो क्रिस्ट हॉस्पिटल से हुई थी, तो इस एसे में जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि इस पूरे एसे में जो है उन्होंने क्या किया है, बताया है कि उनका स्कूल लाइफ कैसा था, वो स्कूल में कैसे रहते थे, किन किन लोगों से मिलते थे, कैसा उनका जो है स्कूल का माहौल था, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। एक चीज़ और उन्होंने बताया कि इस स्कूल में ही उनके जो ST कॉलेज है उससे जो है वो मिले थे, जो कि उनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए। उसके बाद इन्होंने अपने टीचर्स के बारे में बताया है, क्लासमेट्स के बारे में बताया है, रिलेटिव्स के बारे में बताया था जो उनसे मिलने के लिए आया करते थे। अब यहाँ पे हमने जो है एक शॉर्ट समरी जो है इसको लिखी है। तो क्रिस्ट हॉस्पिटल 5 years वॉज प्रेजेंट अकाउंट ऑफ हिज स्कूल, उनके स्कूल जैसा मैंने आपको बताया कि स्कूल का जो लाइफ है उसके बारे में वो बताते, और वहाँ पर जो है वो 1782 से लेकर के 1789 तक जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, और उनके उनके साथ जो है जो जो बिहेवियर होता था, मतलब लैम के साथ जो लोगों का अटैचमेंट था या बिहेवियर था वो क्या था, बहुत ही प्रिविलेज था। मतलब जो दूसरे बच्चों थे उनके साथ इतना अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता था, बिहेव नहीं किया जाता था जैसा कि किसके साथ किया था, चार्ल्स लैम के साथ किया था। उनके जो फ्रेंड्स थे, जो रिलेटिव्स थे, जो कि टाउन में रहा करते थे, वो उनसे आया करते थे मिलने के लिए। एक्चुअली ये क्या है, एक बोर्डिंग स्कूल है, तो उनके फ्रेंड्स और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो उनसे मिलने के लिए आया करते थे। उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ जो क्या क्या चीज़ें फील की, क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की, उसके बारे में बताया कि जो खाना जो वहाँ मिलता था वो इतना बैड क्वालिटी का होता था। सिर्फ बैड क्वालिटी का ही नहीं होता था, बल्कि उसकी जो स्मेल आती थी ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदी आती थी, और जो मीट होता था, जो बीफ होता था वो क्या होता था, उसमें भी कोई टेस्ट नहीं होता था, और वो क्या होता था, मतलब जस्ट बोला जाए तो बॉयल करके उसको दे दिया गया। यानी कि फ्रॉम एंड टू एंड जो है क्या क्या चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस किए फ्रॉम 1782 से लेकर के 1789 तक बोर्डिंग स्कूल में रहकर क्या क्या चीज़ें उन्होंने फील की, उसके बारे में शॉर्ट समरी है उनका क्रिस्ट हॉस्पिटल में, अगर कहा जाए तो इतना समझ लीजिए। उसके बाद उन्होंने नर्सेस के बारे में बताया है कि किस तरीके से जो नर्सेस हुआ करती थी वो मतलब उनके अंदर कोई मोरालिटी नहीं हुआ करती थी, वो जो है लड़कों के साथ जो है नर्स क्या होती है, जो कि नन हुआ करती थी, वो लोग जो है उनका कोई मोरालिटी नहीं होता था, और वो क्या करती थी जो है जो लड़के हुआ करते थे उनके साथ अपने टिफिन को जो है शेयर किया करती थी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताया है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उनका कोई वहाँ पर फ्रेंड नहीं था, उनको जो है बहुत ही लोनली महसूस होता था, ठीक है। तो ये रिकॉलिंग द सैड एक्सपीरियंस द ऑथर सेज दैट ही वाज अटरली लोनली अमंग द 600 वर्ड, वहाँ पे 600 बच्चे पढ़ते थे, बट उन 600 बच्चों के भीड़ में भी क्या थे, वो अकेले थे, वो अपने आप को अकेला मानते थे, उनका कोई जो है सो फ्रेंड नहीं था, और मतलब स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लोनलीनेस जो है उनको महसूस होता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो कैसा मतलब उनका जो लाइफ था वो बहुत ही बिटर था, क्योंकि वो एक मेंटल इलनेस जो है कैरी कर रहे थे, उनके खानदानी बीमारी थी जो कि मेंटल इलनेस जो थी उनके बहन को तो बहुत ज़्यादा थी, जो जिसकी वजह से उन्होंने जो है शी हैज़ स्टेप्ड हिज मदर, उनके भाई जॉन को भी थी, और कहीं ना कहीं उनको भी ये बीमारी थी जिसकी वजह से ही वो इन अ मेंटल असाइलम फॉर द 6 weeks। तो ये चीज़ तो घर से जो है उनको मतलब अकेलापन लगता ही था, बट जबकि वो यहाँ पे आए, इस स्कूल में भी आए, वहाँ पे भी जो है उनको ही वॉज फीलिंग वेरी लोनली, बहुत ही अकेला महसूस करते थे, और मतलब वो कहते ना कि तन्हा में भी मतलब भीड़ में भी मैं अकेला हूँ, तो इतने सारे लोगों के बीच में भी जो है वो अपने आप को अकेला महसूस करते थे। द होम सिक लेड वॉज विटनेसेस टू द मिस्ट्रीट ऑफ द जूनियर स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या होती थी कि बुलिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे हम स्कूल्स में देखते हैं कि जो जूनियर सीनियर क्या होते हैं उसकी रैगिंग लेते हैं, उसको जो है सो मारते हैं, उसको उसके ऊपर डोमिनेट होते हैं, तो वो बताया। तो वहाँ पर जो स्कूल में जो है जो मिजरेबल लाइफ था उसके बारे में जो है उन्होंने बताया है। द स्कूल अथॉरिटी
टू वॉज एक्चुअली हार्श, और जो बच्चों को जो है वहाँ पे जो है बहुत ही बुरा पनिशमेंट दिया करता था। अगर कुछ छोटा सा भी मतलब इशू हो गया, कोई बात हो गई, तो उनको प्यार से नहीं समझा करके उनको जो है बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाता था। फॉर द फर्स्ट ऑफेंस द बॉय वॉज पुट इन द, मतलब अगर जो है पहला बार जो किया तो उसको मारा गया, दोबारा उसको मारा गया, और तीसरा बार जो क्या कहते हैं सीधे उसको डायरेक्टली जो है स्कूल से रस्टी के लिए, यानी कि रूल्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और स्टूडेंट्स को जो है कंसीडर नहीं किया जाता था, उनके साथ जो है बहुत ही रूड बिहेवियर किया जाता है। अब ये स्कूल के बारे में उन्होंने बताया कि दो सेक्शन में डिवाइड था, ठीक है, एक तो लोअर सेक्शन था और दूसरा जो है अपर सेक्शन था, लेकिन क्या है एक इमेजिनरी लाइन बना करके जो है दोनों को पढ़ाया जाता था। मतलब अभी कैसे होता है कि गाँव में जो है स्कूल्स होते हैं, तो उन स्कूल्स में क्या होता है कि सारे क्लास के बच्चे एक साथ ही बैठे होते हैं और सब पता नहीं कैसे एक साथ ही पढ़ते हैं, अल्लाह जाने। तो उस तरीके से क्या था कि जो एक लोअर सेक्शन था और एक अपर सेक्शन था, उसमें ही जो है सब लोगों को पढ़ाया था एक इमेजिनरी लाइन, मतलब खुद से ही एक लाइन बना दी जाती थी, इमेजिन क्योंकि कहीं से दिखती नहीं थी बट इमेजिनरी लाइन होती थी वो जो है होती थी। उसके बाद इन्होंने एक नाम का मेंशन किया है, दैट इज़ रेव मैथ्यूफील्ड। ये जो क्या थे लोअर सेक्शन जो थे उसके इंचार्ज थे, ठीक है, ये बहुत ही जेंटलमैन थे, स्कॉलर थे और ये क्रिश्चियन थे, ठीक है, ये क्या थे एक काइंड हार्टेड थे और ये बच्चों को क्या करते थे नहीं मारते थे, ठीक है, इनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही कूल था एंड ही नेवर बीट्स स्टूडेंट। लेकिन इनके बिल्कुल ही अपोजिट जो थे रेव जेम्स बॉयर थे, ये क्या थे कि ये बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते थे, बच्चों को जो है सो मारते थे, उनको पनिश करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा था, वो एक अच्छे मतलब टीचर थे, अच्छा पढ़ाते थे। तो ये पूरा जो ऐसे है ये क्या है एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें जो है कैरेक्टर ने यानी कि चार्ल्स लैम ने जो है हाउ ही हैज़ स्पेंड हिज डेज इन, उन्होंने किस तरीके से अपना जो है टाइम वहाँ पर स्पेंड किया, क्रिस्ट जो उनका स्कूल था वहाँ पे जो है उन्होंने कैसे जो है अपना टाइम स्पेंड किया, कौन कौन उसके फ्रेंड थे, क्या क्या लोग थे, उन सब के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस को जो है उन्होंने शेयर किया है। दैट इज़ एनफ फॉर टुडे आई थिंक। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द अदर एसेज ऑफ एसेज ऑन इलिया, वी विल डील इन अ वेरी शॉर्ट मोर एसेज ऑफ एसेज ऑन इलिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।